जय माता दी। आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा, सनातन धर्म गुरु, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन की समस्त देशवासियों को भारत टीवी की तरफ से, हमारी तरफ से सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। सभी लोगों के घर में प्रसन्नता, सुख, समृद्धि की मां राजेश्वरी जी से कामना करता हूं कि सभी के घर में खुशहाली आए। भारत टीवी के माध्यम से समस्त देशवासियों को, भारत टीवी को देखने वाले समस्त हमारे नागरिकों को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की छोटे बड़ों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बात आती है कि हम दीपावली कब, कैसे, किस प्रकार से मनाएं। दीपावली हमारे यहाँ कार्तिक मास में अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। कहते हैं कि राजा रामचंद्र जी जब पुनः घर वापिस आए थे अयोध्या, उसके पश्चात से हम प्रसन्न पूर्ण करके दीपोत्सव के रूप में दीपावली की हार्दिक और सुख समृद्धि की कामना के लिए दीपोत्सव को मनाते हैं। जब भी कार्तिक मास का महीना आता है, अमावस्या तिथि सन्निकट आने लगती है, तो बच्चे में, परिवार में, बड़े में और समस्त लोगों में सुख शांति समृद्धि के लिए दीपावली की तैयारियां करते हैं। संपूर्ण हम अपने घर में साफ सफाई और समस्त कार्यों को, लेखनी को, लेजर को, सभी लोगों को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। राहुल भाई, बात आती है कि हम दीपावली किस प्रकार से मनाएं, क्या समय है, क्या विधान है, किस प्रकार से करना चाहिए। दीपावली का जब भी समय आता है तो हर बच्चों को एक ही बात याद आती है कि अगर हमारे घर में लक्ष्मी होगी तो हम बड़ी प्रसन्नतापूर्ण करके दीपोत्सव को मनाएंगे। और अब की बार अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुकूल में आप देखेंगे तो 7 अंक आता है, और 7 अंक जो है वह तुला राशि का होता है। और अब की बार तुला राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया दीपावली का समय है, और जब लक्ष्मी का योग आ जाए तो और भी सुंदर हो जाता है। जहाँ सूर्य, शुक्र और चंद्रमा का मिलन होता है वो और ज़्यादा सुंदर बन जाता है। इस दीपावली के उपलक्ष में बहुत सारे समाज में, देश में, समस्त इस उत्तर भारत नहीं पूरे ब्रह्मांड में इस दीपावली को हम मनाते हैं। और इस दीपावली को, भैया दूज को, प्रसन्नतापूर्ण गोवर्धन को प्रसन्नतापूर्ण हम मनाते हैं। बात आती है कि कार्तिक मास में जो हम दीपावली की पूजा करते हैं, क्या समय है, किस प्रकार से करना चाहिए, क्या इसकी सामग्रियां हैं, इसके विषय में मैं आपको बताता हूं। जब दीपावली का समय आता है तो अब की बार प्रातः 10 बजे से लेकर के दिन में 4 बजे तक जो व्यापारी प्रतिष्ठान के हैं वो अपनी पूजा करेंगे, जिसको कि धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख और समृद्धि का योग होगा। सायंकाल में जो हम अपने प्रदोष काल की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी को मनाते हैं, कुबेर जी को मनाते हैं, माँ सरस्वती जी को मनाते हैं, और अपने कुल देवता, पितृ देवता, समस्त देवी देवताओं को मनाते हैं, उसका जो पूजन का समय है वह 5:30 से लेकर के 8:11 तक हम प्रदोष काल की पूजा करेंगे। प्रदोष काल की जब हम अपने घर में पूजा करते हैं तो छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग सुंदर वस्त्र धारण करते हैं, स्नान ध्यान निवृत्त, पूरे घर को साफ सफाई सुंदर करके बड़ी श्रद्धा भाव से हम पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी को कमल के पुष्प के द्वारा उनको अर्पित करके धान के खेल, बतासा, खिलौना, कमल गट्टा और बहुत सारे दीपोत्सव, दीपक जला करके लक्ष्मी जी को हम पुनः प्रसन्न करते हैं। जब हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं और अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, गंगा गौ और माता और पिता का सम्मान करेंगे तभी हम दीपावली का आनंद का लाभ उठा पाएंगे। और इस बार सबसे बड़ी बात क्या है कि जो तुला राशि है, 7 अंक है। कहते हैं कुंडली में चौथा घर चंद्रमा का कर्क राशि का होता है। कहते हैं कुंडली में जो चंद्रमा है उसको माँ का स्थान दिया जाता है। जब माँ का आशीर्वाद मिलता है तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता है। पंचम भाव संतान भाव का आता है, जहाँ से सूर्य का प्रकाश, कहते हैं ना कुलदीपक,
अगर पुत्र सुंदर हो गया, पुत्र सुयोग्य निकल गया, तो पूरे कुल का दीपक उज्जवल कर देता है। सातवां भाव शुक्र वीनस का है, जिसको पत्नी का रूप दिया गया है। सातवें भाव से हमें सुख, समृद्धि, धन, वैभव। कहते हैं घर के अंदर अगर अर्धांगिनी प्रसन्नचित है, लक्ष्मी प्रसन्नचित है, जिसके घर में नारी का सम्मान होता है, वहां कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इस प्रकार से यह जो लक्ष्मी का योग आया है, अब की बार ये 7 वर्ष में पहली बार आया है और बड़े दिनों के बाद, ये तुला राशि वालों के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है। राहुल भैया, बात आती है कि हम जो लक्ष्मी का पूजन करते हैं, इसमें हमें क्या क्या सामग्री भी रखना चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जहां हम अपने घर में नॉर्थ ईस्ट का जो कोना होता है, जहां हम पूजा करते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ हमें पूजा करना चाहिए। बड़ों को बुला करके सम्मान के साथ सबको बैठाएं, रोली, कलावा, फूल, माला, फल, धूप बत्ती, अगरबत्ती, सुपाड़ी और साबुत धनिया, धान का खेल, गुड़, कमलगट्टा, मजीठ और इस प्रकार से एकांक्षी नारियल, पंचरत्न, इन सब चीज़ों को एकत्रित करके पूजन करना चाहिए। जब हम ऐसी पूजा करते हैं, अखंड दीपक एक ऐसा जलाना चाहिए जो पूरी रात्रि भर चलना चाहिए, जिसमें कहते हैं कि जब हम दीपावली की पूजा करते हैं तो अपने पितरों की पूजा करते हैं और इस लक्ष्मी माता को मनाने के लिए हम सिंह लग्न की खोज करते हैं। और अब की बार तो जो प्रदोष काल का जो पूजा का समय है वह वृक्ष लग्न का है और वृक्ष लग्न में किया हुआ पूजा सदैव हमें धन धान्य की वृद्धि दिलाता है। मध्य रात्रि में सिंह लग्न का आता है, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हम धन से बहुत परेशान हैं, हमारे पास धन नहीं है। मेरा कहना है यदि मध्य रात्रि में सिंह लग्न में यदि आप पूजा करते हैं, यदि आप ऋणी हैं तो आपका ऋण मुक्त हो जाएंगे। अगर घर में कई बार आप धन लाते हैं, धन आपका बचता नहीं है। माँ लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला, कमल गट्टे का पुष्प, यदि 5 फूल कमल गट्टे के लक्ष्मी जी को अर्पण करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। और ज़्यादा अगर आपको कष्ट मिलता है, बार बार आपकी फैक्ट्री बंद हो जा रही है, बार बार आपको धन का बार बार कष्ट मिलता है, तो आप हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं दीपावली के दिन, तो आपके बहुत सारे कष्टों का निदान होगा और धन धान की वृद्धि होगी। इस प्रकार से जो कमल का फूल है वो लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। कहते हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ताकत चाहिए तो काली माँ, और ज्ञान चाहिए तो सरस्वती, और धन धान्य की चाहिए तो सात्विक माँ दुर्गा की आराधना करने से, लक्ष्मी की आराधना करने से हमें हर तरह से प्राप्ति होगी। इस प्रकार से जो दीपावली के दिन जो हमारे भाई बहन विधि पूर्वक पूजा करेंगे, पाठ करेंगे और आनंद मंगल या पंडित जी को बुला करके विधि और विधान के साथ अगर पूजा पाठ करते हैं, लक्ष्मी माँ के बड़ी श्रद्धा और भाव से इस प्रकार से पूजन पाठ करने वाले जो प्राणी हैं, उन्हें कभी भी उनके घर में किसी भी प्रकार से कष्ट प्राप्त नहीं होगा। हर व्यक्ति को इच्छा एक ही होती है कि जब मैं बड़ा होऊंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, बड़ा बनूंगा तो धन अर्जन करूंगा, धन ला करके अपने माता पिता के संपूर्ण शौक को मैं पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। जब आपका शुक्र अच्छा होगा, जब आपका चंद्रमा अच्छा होगा, तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार से कष्ट प्राप्त नहीं होगा। मैं प्रातःकाल सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जो प्रतिदिन अपने माता और पिता का चरण छूते हैं उन्हें कभी भी कष्ट प्राप्त नहीं होगा। कई बार हम बीच मध्य रास्ते में आते हैं व्यापार में, क्योंकि आज का जो दौर है वो व्यापारियों के लिए बहुत कष्टकारक है। इसलिए मेरा एक ही कहना है कि सब लोग हनुमान चालीसा का अगर दीपावली के दिन 7 बार अगर पाठ करते हैं तो उनका रुका हुआ भी धन पुनः उनको वापस मिलेगा। और आने के बाद माँ लक्ष्मी का श्री सूक्त का पाठ करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें, और माँ लक्ष्मी का पाठ यदि करते हैं रात्रि में अखंड दीपक जला करके, तो उन्हें कभी भी कोई कष्ट प्राप्त नहीं होगा, रुका हुआ भी धन पुनः उनको वापिस आएगा। इस प्रकार से बहुत सारे, और ज़्यादा अगर वो परेशान हैं तो सिंह लग्न की पूजा करें, अपने आसपास में जो उनके ब्राह्मण जी हों, विद्वान पंडित जी हों, आचार्य जी हों, उनसे संपर्क करें और उनसे अनुमोदन करें, उनसे पूछने की कोशिश करें कि जो सिंह लग्न की पूजा है
वह कैसे हो गई, किस प्रकार से हो गई, यह पंडित जी के द्वारा कराते हैं, तो मेरा ये मानना है कि साल भर के अंदर उनके सारे कष्टों का निदान होगा, रुका हुआ भी धन आएगा, और जितना भी यदि घर में किसी को शारीरिक कष्ट भी है, हनुमान चालीसा सात बार पाठ करने से अगर किसी को कमर में दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है, सिर में दर्द है, यदि संकट कटे मिटे सब पीरा और जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, अगर इस मंत्र का वो पाठ करते हैं तो उन्हें कभी भी कोई कष्ट प्राप्त नहीं होगा। और वैसे भी हनुमान जी कहते हैं कि कवन सकाज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाही। इस प्रकार से जो हनुमंत लाल की आराधना करते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आता है। हनुमान जी को दिवाली के दिन, छोटी दिवाली पे अगर आप चोला चढ़ाते हैं तो आपके संपूर्ण मन की, संपूर्ण जो अंतःकरण की प्रसन्नता है वो आपको प्राप्त होगा। और सभी से एक प्रार्थना है, निवेदन है कि सब लोग अपने पूर्वजों का दीपावली के दिन अवश्य ध्यान करें, क्योंकि पितर ब्रह्मा पितर विष्णु पितर देवो महेश्वर पितर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै इति पित्राय नमः। इस प्रकार से पितृदेवता को प्रसन्न करने के लिए यदि आप प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनके लिए कुछ सुंदर कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो आपको अवश्य ही इसका लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार से जो दीपावली के दिन कार्य करेंगे उन्हें हर तरह से आनंद होगा, मंगल होगा, कामनाओं के सहित में सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सभी मंगल कीर्ति को प्राप्त करें, मंगल आनंद को प्राप्त करें और घर में सुख शांति समृद्धि की मैं कामना करता हूं। पुनः समस्त देशवासियों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, भारत टीवी की तरफ से सभी को दीपावली की, गोवर्धन की, भैया दूज की, बहुत सारी तीज त्योहारों का हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बधाई देता हूँ, बधाई देता हूँ। जय माता दी।